कृष्णा, धैर्य जब मरेगा तो ही तो उसकी आत्मा शरीर से निकलेगी और तब हम उसके शरीर में दूसरी आत्मा डालेंगे। धैर्य के शरीर में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी आत्मा बदल रही है और उसके बाद धैर्य पूरा का पूरा तुम्हारा गुलाम होगा। अब सच कह रही? हाँ कृष्णा, हम तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। सुनो मेरी बात, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है। कृष्णा ने तुम्हें यहाँ लाके बहुत अच्छा किया है। तुम्हारी पत्नी के बारे में इसी ने मुझे बताया है, वो जरूर कोई मायावी है जिसके आने के बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही आई हैं। संतोषी, और कितना टाइम लगाओगी? चलो साइन करो जल्दी। हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जिस काम में बेईमानी जुड़ी हो, ना उससे हम खुद जुड़ेंगे ना आपको जोड़ने देंगे। धैर्य सर, जिस कंपनी के लिए मैंने पूरी जान लगा दी थी वो कंपनी मेरे हाथ से निकल गई। समझ लीजिए, माता ने खुद बचाया होने वाले पाप से। वाह, जब मेरी पत्नी खुद मेरी नाकामयाबी मेरे हार के लिए दुआ मांगती है तो मैं सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ? नहीं असद, तुम्हारे उसूलों के चक्कर में मेरे हाथ से इतनी अच्छी डील भी गई और वो लाखों रुपए भी गए जो मैंने टोकन के लिए दिए थे। माते, संतोषी का पति बहुत बड़े षड्यंत्र में फंस गया है। यदि ये स्त्रियां सफल हो गई तो उसकी मृत्यु निश्चित है। संतोषी को भी ज्ञात नहीं है कि वो कहाँ है। अब उसका क्या होगा माते? गौ माता, आप इनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखिए, हम कुछ करते हैं। बैठो। अब इस आग में घी डालो। पहले हमसे नफरत करते थे लेकिन हमारी आंखों के सामने तो थे। तसल्ली थी कि हम अपने पति के साथ रहते हैं। अभी कहां ढूंढे हम उन्हें? हम भी बहुत परेशान है बेटा, समझ नहीं आ रहा क्या करें। मां, हमें बस अब आपका ही सहारा है, हमें कोई तो रास्ता दिखाए। माते,
संतोषी का पति तो कष्ट में घेरता जा रहा है। देवी संतोषी, महादेव के आदेश के कारण आपको उत्तरहीन देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं धैर्य को कुछ होगा तो नहीं? तुम चिंता मत करो, धैर्य के शरीर को कुछ नहीं होगा। धैर्य कहाँ चला गया? हाँ, हमने तो पकड़ के रखा था, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तुम सबने जानबूझ के ऐसा किया। ये क्या कर रही हो तुम? क्या पागल हो गई क्या? तुमने मेरे धैर्य को मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हो? अरे वो पागल हो गई है क्या? कोई पकड़ो उसे। कहाँ भागेंगी आप? भागिए! मुझे मत मारना कामिनी, मुझे बचा लो कामिनी। मेरे हजार मना करने के बावजूद तुमने वो सब कुछ किया, इसलिए आज आपके कारण मैंने धैर्य को खो दी, इसलिए आपको तो मरना ही होगा। मुझे मत मारना। दीजिए मेरा हाथ। पागल मत बनो तृष्णा, किसी को दोष देने से अच्छा होगा कि हम खुद जाकर धैर्य को ढूंढें। हो सकता है ना कि अभी भी वो पानी में हो? छोड़ो। हो सकता है धैर्य जिंदा हो। धैर्य को ढूंढना पड़ेगा। धैर्य, धैर्य। जाओ, तुम सब भी तृष्णा की मदद करो। हमारा कार्य ना बिगाड़ दे, हमें किसी भी तरह इसे वश में करना होगा और इसे समझाना होगा।
सिर्फ यही कर इसके लिए उचित है। कृष्णा, कृष्णा मेरी बात मान, धैर्य अवश्य लौटेगा, तू बस उसकी प्रतीक्षा कर। कहाँ वेट करूँ मां, उसकी घर पे, अब मुझे वहां कौन घुसने देगा? सब रहने देंगे, तू बस चल मेरे साथ, चल। एक दिन में क्या से क्या हो गया काका, जो इंसान आग के सामने था आज पता नहीं कहाँ, समझ नहीं आ रहा कहाँ ढूंढे उन्हें। इतनी रात गए कौन हो सकता है, चलकर देखते हैं। बताइए इंस्पेक्टर साहब, आप क्या पूछना चाह रहे थे? जी मैडम वो कुछ नहीं, मैं बस इतना जानना चाहता था कि धैर्य मिश्रा जी कहाँ हैं? ये इंस्पेक्टर साहब को क्या हो गया है, वो इतने प्यार से कैसे बात कर सकते हैं जबकि इनके खिलाफ हमने शिकायत लिखवाई है। देखिए डॉक्टर ने धैर्य को टेंशन लेने से मना किया है, इसलिए हमने उसे सबसे दूर रखा है और उस जगह के बारे में इस वक्त बता नहीं सकते इंस्पेक्टर साहब, वरना सारे लोग वहीं पहुंच जाएंगे। और इन्हें देखते ही धैर्य बहुत परेशान हो जाते हैं। और आप क्या चाहेंगे कि मेरे होने वाले दामाद और परेशान हो जाए और बीमार हो जाए? लेकिन अगर आप चाहते हैं ना, हम आपकी बात डॉक्टर साहब से करा देते हैं जो डॉक्टर धैर्य का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नहीं नहीं उसकी तो कोई जरूरत नहीं है, हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है। जरूरत है, हम इनकी बात पे कैसे भरोसा कर लें? देखिए ये आपका घरेलू झगड़ा है, हमें जो पूछना था हम पूछ चुके हैं, अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब, सर की बात मान लीजिए वरना ठीक नहीं होगा। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक सिर्फ जंगल नजर आ रहा है। अरे मुझे तो दिख रहा है ये आकाश, ये पेड़, ये रास्ता, बढ़ते चलेंगे तो और कुछ भी मिलेगा। वैसे एक बात बताओ धैर्य भैया, आप ऐसे कभी जंगल में अकेले निकले हैं? नहीं, मैं भी नहीं निकली, आज निकले हैं तो दोनों शेर एक साथ निकले हैं। अच्छा तो तुम हमेशा इतना ही बोलती हो क्या? नहीं, आज बातों की थोड़ी मात्रा कम है ना, आपसे अभी तो दोस्ती हुई है। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, तुमने कहा कि तुम्हारे माता पिता नहीं है, पर उनका कोई घर तो होगा? जब से मैं होश संभाल रही हूँ ना, तब से मैं ऐसे ही भटक रही हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ वही मेरा घर हो जाता है। तो ऐसा है कि आपने मेरी जान बचाई है, तो आपका एक एहसान हुआ मुझ पे, तो इसलिए आप एक काम करो, आप मेरे घर चलो और जब तक मन करे ना तब तक आप मेरे घर में रहना, क्योंकि मेरा घर बहुत बड़ा है। पर घर तो तभी चलेंगे ना जब जंगल से बाहर जाएंगे। गौ माता, हमें हमारा मार्ग विचार कर प्रशस्त करना होगा। प्रणाम देवी पौलमी। प्रणाम देवी संतोषी। हम आपसे ही भेंट करने हेतु आ रहे थे। वो किस लिए? ये पूछने के लिए कि तृष्णा का निर्माण आपने ही किया है ना? देवी संतोषी, हम यहाँ ये ज्ञात करने के लिए आए, धरती लोक में जो बालिका संतोषी के पति की सहायता कर रही है उसका निर्माण आपने किया है? देवी पौलमी, प्रश्न पूछने से पहले हमें उत्तर दीजिए।
देवी संतोषी, तृष्णा का निर्माण हमने किया है, ये बात आप सिद्ध नहीं कर पाएंगी। किंतु वो बालिका अगर आपके द्वारा भेजी गई है तो ये बात सरलता से सिद्ध हो जाएगी। हे भोलेनाथ, आज शिवरात्रि है लेकिन पूजा में जरा भी ध्यान नहीं लग रहा। हमारा पूरा ध्यान धैर्य सर पर है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करें। संतोषी बेटा। दादी, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह कैसे? आज ना महाशिवरात्रि है, मैंने सोचा सुबह सवेरे मंदिर चले जाएंगे, इसलिए सुबह की बस पकड़ कर आ गई। संतोषी बेटिया कुछ परेशान लग रही है। ये क्या बेटा, ये फूल भी? दादी, पता नहीं ध्यान कहाँ था, भूल गए कि ये फूल पूजा पे चढ़ता ही नहीं है। तुम सब महादेव की पूजा करो और हम यहाँ देवलोक की सेवा करते हैं। आज पूरा देवलोक हमारे विषाणुओं से ग्रसित हो जाए। तुम यहीं रुको, हम पंडित जी के साथ जाकर प्रसाद लेकर आते हैं। हे भोलेनाथ, आपसे बस एक ही विनती है, धैर्य सर जहां भी हो बस उनसे बस हमें मिलवा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। अरे संतोषी, तुम यहां? माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं तुम्हारे धैर्य के मामा की बुआ हूँ। नमस्ते। नमस्ते। तुमसे ऐसा मिलना होगा, मुझको तो मालूम ही नहीं था। और कमाल का इत्तेफाक देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही धैर्य मिला था मुझको। और तुम यहाँ? आप धैर्य सर से मिले हैं? हाँ, वो जौनपुर की बस में चढ़ा था और चला गया। मैंने उसको आवाज भी दी लेकिन उसने सुना नहीं। अकेले थे या किसी के साथ थे? नहीं, वो चढ़ा तो अकेला ही था, कोई नहीं था उसके साथ। तो आप हमें बता सकते हैं क्या कि किस समय निकले थे वो, और जिस बस से गए थे अगर उसका नंबर याद है तो वो भी बता देते। अभी वो थोड़ी देर पहले ही निकले थे, और बस का नंबर तो याद नहीं है मुझको। अगर हम अभी निकले तो शायद धैर्य सर हमें मिल सकते हैं। ये लो, जितना कहा था उससे कहीं ज्यादा है, जाओ और ऐश करो। अब मैं अपना काम शांति से कर पाऊंगी। ये संतोषी कुछ दिन तक मेरे रास्ते में नहीं आएगी। अरे संतोषी, अरे कहां चली गई बिटिया? ये बुढ़िया अपनी पोती को ढूंढती रह जाएगी। अरे ओ संतोषी। लेकिन वो उसे नहीं मिलेगी। पेट तो भर गया, अब हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ऐसे मजे करते रहेंगे तो रास्ता कैसे ढूंढेंगे? बात तो तुम हमेशा सही कहती है ना, चल रास्ता ढूंढते। ए शर्मिली, शर्मिली। अरे यार 1525 बार बोल चुके, सुन नहीं रखा यार तुम्हें है? चलो मंदिर चलो, माला जपो, वो आज मंदिर में कीर्तन है, चलो हमारे साथ चलो। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। अरे यार चलो हमारे साथ। शर्मिली छोड़ो इसको, चलो। ए शर्मिली, आज अपने पति की ना दो बातें गंभीरता से सुन लो। तुमने की संतोषी माँ की भक्ति, तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हें फर्क महसूस हुआ, तुमने हमें कहा, हमने तुम्हारी बात मानी, फिर हमने भी भक्ति की। अब लालच के रास्ते पे काहे जा रही हो यार, कितनी बार बोले तो समझोगे।
गुरु जी, हमने जिसके लिए व्रत रखा था ना, उसका फल तो हमें मिल गया। तो अब घर की भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना, तो उसके लिए पैसों की जरूरत है, हम बस उसी का बंदोबस्त करें। देवगण पूरे उल्लास के साथ जयकारा कर ले, क्योंकि शीघ्र ही ये उत्सव खंडित होगा। आज हम सबका सौभाग्य है कि स्वयं देव के देव महादेव हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम इन्हें वंदन करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव, विधि को प्रारंभ करने की अनुमति दे। महादेव, ये समस्त सामग्री विशेष रूप से आपके लिए मंगाई गई है। ब्रह्मदेव, आपका एवं अन्य देवी देवताओं का ये असीम प्रेम चंदन के लेप की भांति पवित्र है, जिसकी सुगंध आज के इस दिन को और अधिक विशेष बना देती है। मैं आप सबका आभारी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। आज पूरा देवलोक हमारे विषाणुओं से ग्रसित हो जाए। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आओ बैठो,
बैठो बैठो। चोट कैसे लग गई तुम्हें? वो किसी से टकरा गए थे। इस गांव की तो नहीं लगती हो? नहीं, इस गांव से नहीं है। अभी तुम जिनसे मिली थी ना, वो हमारे पति हैं और इस मठ के मठाधीश भी हैं। तुम्हें यहाँ पर कोई भी असुविधा हो, कोई भी तकलीफ हो ना, तो हमें बताना, हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी मदद करने की। इन्हें क्या गंगा के बारे में पता होगा? अगर आप हमारी मदद कर ही सकते हैं तो एक मदद कर देंगी? हाँ हाँ बताओ। हमारी एक दोस्त है, वो दोस्त क्या, बहन से भी बढ़कर है। बनारस में एक बहुत जाना माना परिवार है, चतुर्वेदी परिवार, उसी घर की बहू है। बनारस में एक दुर्घटना में अचानक वो अपने परिवार से बिछड़ गई। पता है उन्हें हमने अभी अभी यहाँ आपके मठ में देखा, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ चले गए, हमें मिले नहीं रहे। अगर आप उसके बारे में जरा भी कुछ जानती हैं तो हमें उनसे भेंट करवा सकती हैं। हाँ हाँ बताओ, क्या नाम है उसका? उनका नाम भाभी। हाँ भाभी, माँ बुला रही हैं आपको महापूजा कुंड के पास, चले। अच्छा, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। हाँ।